हेलो सो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूं आइडल स्टार्ट स्टॉप स्विच के बारे में। सो जैसा कि आप सिंबल देख पा रहे हैं, इस तरह का सिंबल अगर आपने अपनी गाड़ी में कहीं पर देखा है तो इसका मतलब आपकी गाड़ी के अंदर आइडल स्टार्ट स्टॉप स्विच दिया गया है। ये ऑप्शन काफ़ी यूजफुल हो सकता है आपके लिए। सो पहले मैं बता देता हूँ कि काम क्या करता है। ये आपके फ्यूल को, जो गाड़ी का फ्यूल है, उसको सेव करने के काम में आता है। आप किस तरह से ये काम करेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आप जब भी कहीं बाहर निकलें उससे पहले इस ऑप्शन को ऑन कर दीजिए। ऑन करने के लिए सिंपली आप बटन को प्रेस कीजिए, लाइट जल जाएगी, इस तरह की जो लाइट है वो जल जाएगी। सो ये ऑप्शन ऑन हो जाएगा। उसके बाद में ये काम कहाँ पे करेगा, आप जैसे ही रेड लाइट पे गए, रेड लाइट पे जाते ही आपने गाड़ी को स्टॉप किया, गाड़ी रुक गई, जहाँ पे गाड़ी रुक जाती है, रुकने के बाद में आपने अपना जो गियर है गाड़ी का उसको न्यूट्रल में कर दिया। न्यूट्रल गियर में आने के 5 से 10 सेकंड के बाद गाड़ी का जो इंजन है वो ऑफ हो जाएगा। इसका मतलब जो गाड़ी का इग्निशन है वो ऑफ हो जाएगा। पहले के टाइम में आप क्या करते थे, गाड़ी का अगर जैसे आप ट्रैफिक सिग्नल पर रुके, या तो गाड़ी आपकी चालू रहती थी या फिर आप क्या करते थे, चाबी को ऑफ कर देते, इंजन जो इग्निशन है उसको ऑफ कर देते थे। सो ऑफ करने का काम अब चाबी से नहीं, आप इस ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। आपको जस्ट अपने जो दो कंडीशन है उसको कंप्लीट करना होता है। गाड़ी जो है वो लॉक होनी चाहिए और जो गियर है वो न्यूट्रल में होना चाहिए। सो ये दो कंडीशन रिक्वायर्ड है और गाड़ी जो है वो 5 से 10 सेकंड के अंदर जो इग्निशन है उसका ऑफ हो जाएगा। बाकी सारी चीजें चलेंगी, बस ओनली इग्निशन है वो ऑफ हो जाएगा। सो अब आपको गाड़ी अगर स्टार्ट करनी है तो उस कंडीशन में कुछ भी नहीं करना है आपको। जैसे ही आप क्लच प्रेस करके फर्स्ट गियर डालते हैं, क्लच प्रेस करते ही आपकी गाड़ी का जो इंजन है उसका इग्निशन ऑन हो जाएगा। मतलब जो पहले आप इंजन ऑन और ऑफ इसके थ्रू करते थे ट्रैफिक के दौरान, सो ये काम जो है आपका आइडियल स्टार्ट स्टॉप स्विच जो ऑप्शन है ये काम आपका ये कर देगा। सो काफी अच्छा ऑप्शन है, काफी यूजफुल हो सकता है क्योंकि जो ट्रैफिक है वो काफी ज्यादा हो चुका है और कई जगह आप रुकते भी होंगे। सो ये काफी अच्छा ऑप्शन है, आप इसको यूज कर सकते हैं अपने फ्यूल को सेव करने के लिए। सो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब।